क्या आप प्रथम एस्ट्रोनॉमर को जानते हैं? यदि आपका उत्तर आर्यभट्ट या वराहमिहिर है तो आपको ये वीडियो अवश्य देखना चाहिए। 1500 वर्ष पूर्व जन्मे आर्यभट्ट ने जीरो दिया, परंतु आर्यभट्ट से 6000 वर्ष पूर्व ही ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का ठीक ठीक गणित लगाया जा चुका था। इतना ही नहीं, इस पर एक विस्तृत ग्रंथ भी संकलित किया गया था। कहने को तो यह ग्रंथ हमारा भूतकाल है, किंतु इसके बिना न तो हम अपना वर्तमान सोच सकते हैं और न ही भविष्य, जिसके अनुसार आज भी मनुष्य के जन्म, विवाह से लेकर मृत्यु तक की गणना की जाती है। यह ग्रंथ है रामायण, और महान खगोल शास्त्री हैं महर्षि वाल्मीकि। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि सृष्टि के प्रथम वैज्ञानिक और आदि कवि महर्षि वाल्मीकि आदि खगोल शास्त्री भी हैं। महर्षि वाल्मीकि का जन्म अश्विन शुक्ल की पूर्णिमा को हुआ था। वे भगवान श्री राम के समय के प्रकांड विद्वान और संस्कृत ज्ञाता थे। उन्होंने अंतरिक्ष के अनेक सिद्धांतों को बड़ी ही सरलता से समझाया, जिनमें सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा करने की अवधारणा, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, गुरुत्वाकर्षण बल तथा ग्रहों की गति की गणना शामिल है। खगोल शास्त्र पर वाल्मीकि जी की पकड़ उनकी रचना रामायण से सिद्ध होती है। आधुनिक सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से यह साबित हो गया है कि रामायण में उनके द्वारा दी गई खगोलीय जानकारी एकदम सटीक है। जो वर्णन रामायण में जिस वर्ष, तिथि और समय पर दिया गया है, उन्हें इन सॉफ्टवेयर्स में डालने पर हूबहू वैसे ही चित्र सामने आते हैं। इसका एक उदाहरण है रामायण में भगवान श्री राम के जन्म से संबंधित बालकांड। इसके 18वें सर्ग में 8वें, 9वें और 10वें श्लोक में महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि जब कौशल्या ने श्री राम को जन्म दिया, उस समय सूर्य, शुक्र, मंगल, शनि और बृहस्पति, ये 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे तथा लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विराजमान थे। यह वैदिक काल से भारत में ग्रहों व नक्षत्रों की स्थिति बताने का तरीका रहा है। बिना किसी परिवर्तन के आज भी यही तरीका भारतीय ज्योतिष का आधार है। भारतीय वेदों पर वैज्ञानिक शोध संस्थान की पूर्व निदेशक सरोज बाला ने 16 वर्ष के शोध के बाद एक पुस्तक रामायण की कहानी विज्ञान की जुबानी में कई दिलचस्प तथ्य उजागर किए हैं। सरोज बाला के अनुसार श्री राम जन्म का जो वर्णन रामायण में है, वही सॉफ्टवेयर में डाला जाए तो उसमें अयोध्या के अक्षांश और रेखांश 27 डिग्री उत्तर और 82 डिग्री पूर्व में 5114 वर्ष ईसा पूर्व को दोपहर 12 से 2 के बीच का समय दिखाई पड़ता है। ये दिन चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी। यह वही समय व तिथि है जिसमें संपूर्ण भारत में राम नवमी मनाई जाती है। यह एक मात्र उदाहरण है। ऐसे सैकड़ों वर्णन रामायण से लेकर सॉफ्टवेयर में डालने से पता चलता है कि प्रत्येक प्रसंग खगोल शास्त्र की कसौटी पर खरा उतरता है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि राम कोई मिथक नहीं और रामायण कोई कल्पना की उड़ान या माइथोलॉजी नहीं है, जिसका कि अंग्रेज और राष्ट्र विरोधियों ने सिद्ध करने का प्रयास किया है। यदि आपको भारतीय खगोल विद्या के तथ्यों को जानने में रुचि है तो आदि खगोल शास्त्री महर्षि वाल्मीकि की लिखी रामायण को अवश्य पढ़ें।